आपकी, राइट? थैंक यू बेटा, मैम आ रही है तो वो करवाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, तो हम आज करने वाले हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे अभी मैम बोल रहे थे कि अगर आप पेपर को कट करोगे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको ऑब्टेन होता है उसको एटम बोलते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऐसा डाल्टन ने कहा था। आई होप आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पता है, आपको सारी थ्योरीज पता है। एटम वैसे, आप अगर डेफिनेशन छोड़ दो, आप लोगों को पता है एटम वैसे होता क्या है? डेफिनेशन या बुक की लैंग्वेज से नहीं। अगर आपको मैं ये भी बोल दूं कि छोटा पार्टिकल, किस चीज का छोटा पार्टिकल, कोई मुझे बता सकता है बेसिक नॉलेज कि एटम आपके हिसाब से, एक मतलब एक बच्चे को कितना पता है कि एटम बोलते किसको है? बुक का डेफिनेशन नहीं, कोई और कोई बता सकता है कोई आके मुझे कि एटम से क्या समझते हो आप? फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी। बोलो एनीबडी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। ठीक है, आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? वो तो मैंने भी बोला कि बुक में आपको ये मिलेगा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी चीज का। आपके रूम में क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किस में एटम है? हाँ जी, डस्ट में। आपको जो भी आपके क्लासरूम में दिख रहा है उन सब में एटम है। जो नहीं भी दिख रहा, जैसे कि एयर, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन। प्लीज सिट बेटा, बैठ जाओ। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है? गैसेस। ये किससे बनी है? एटम से। तो एक्चुअली जो भी दुनिया में है वो सब एटम से बन रहा है, चाहे वो आपको दिखता है चाहे वो आपको नहीं दिख रहा। और रही बात जो मैम ने कहा था कि माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो, यस, जो हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम उसको बोलते हैं, हम अब उनको कंपाउंड्स की शेप्स को देख सकते हैं। एक पिक्चर सी बनती है, हमारे पास यहाँ पर नहीं होती स्कूल्स में, लेकिन जैसे कोई भी कंपाउंड है तो एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो। इस तरह से आपको डॉट 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 से दिखते हैं हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। वो वहां पर यस एटम दिख सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स भी दिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन स्कूल वाले माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं उधर नहीं दिखता है, ठीक है? तो एटम का स्ट्रक्चर में सबसे पहले, वैसे तो हमारे ग्रीक फिलोसफर्स और इंडियन फिलोसफर्स को भी एटम की नॉलेज थी, लेकिन किसी ने कोई थियोरेटिकल प्रूफ नहीं दिया था इसका। सबसे पहले जिन्होंने दिया था वो थे डाल्टन। डाल्टन अटोमिक थ्योरी आई थी, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, किसी ने कोई मॉडल नहीं दिया था उस वक्त तक। जो थ्योरी देने वाले फर्स्ट पर्सन थे ही वॉज डाल्टन। सेकेंड, उनका जो प्रॉपर मॉडल एटम का दिया था वो दिया था थॉमसन ने, ठीक है? प्लम पुडिंग मॉडल आपने पढ़ा होगा, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स उन्होंने बोला और एटम को न्यूट्रल बताया। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस वक्त तक। इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे। याद है रदरफोर्ड ने किस चीज को स्ट्राइक करवाया था, किस चीज पे स्ट्राइक करवाया था, कोई बता सकता है? हाँ जी, मोहित कौन है? मोहित मुझे बताएगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा है आपने? हाँ जी, जितना पता है बताएंगे। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा है? ओके, मैं बताती हूँ। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपने अल्फा रेज, प्लीज गो एंड सेट बेटा, अल्फा रेज जो कि पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं, उनको गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाया गया था। पॉजिटिवली चार्ज रेज जब गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक की, सॉरी, सो एटम में जब ये गोल अल्फा रेज स्ट्राइक की तो कुछ रेज एकदम डायरेक्टली पास हो गई थी, कुछ रेज स्ट्राइक बैक कर गई थी और कुछ रेज कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर गई थी, ठीक है? ये तीन ऑब्जर्वेशंस आपने की थी, जिससे तीन कंक्लूजन हम निकालते हैं कि अगर रेज, ये अल्फा रेज सीधे पास कर जाती हैं, इसका मतलब यहाँ पर काफी वेकेंट स्पेस है जिसकी वजह से ये
रेज एकदम कंप्लीटली सीधे ट्रांसफर कर हो जाती हैं। अगर वो अपना पाथ रीट्रेस कर लेती हैं, जहां से गई वहीं से वापस आ जाती हैं, इसका मतलब यहाँ कोई डेंस हैवी सी चीज है, लेकिन वो बहुत छोटी सी होगी क्योंकि बहुत छोटी सी जगह से ये रेज एकदम स्ट्राइक बैक करती हैं। और अगर कुछ एंगल से डिफ्लेक्शन होती है, इसका मतलब क्योंकि अल्फा रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज थी, तो यहां पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन का रीजन हो गया सेम चार्ज, रीट्रेस करने का रीजन हो गया यहां पर कोई डेंस चीज होना, और सीधे पास करने का रीजन था कि कुछ वेकेंट स्पेस है। तो ये डेंस और पॉजिटिव चार्ज वाली जो चीज है वो थी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी काफी बड़ी डिस्कवरी थी। रदरफोर्ड के बाद दो मॉडल और आए हैं एटम के, आपके सिलेबस में है बोहर मॉडल तक, लेटेस्ट जो चल रहा है दैट इज प्लैंक्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आप प्लस वन में करते हो। तो रदरफोर्ड की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी ये न्यूक्लियस, जो कि बोहर मॉडल में भी वही दिखाया जाता है, कोई चेंज नहीं है, और लेटेस्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी वही है। ठीक है, अब रदरफोर्ड में कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे। उनको ये पता था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उनको ये पता था कि साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, लेकिन उस वक्त के एक फिजिसिस्ट जिनका नाम था मैक्सवेल, उनकी ऑब्जेक्शन थी। वो कहते थे कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन, कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा, मूव करेगा स्पीड के साथ, तो वो एनर्जी लूज करेगा। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो धीरे 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 उसकी एनर्जी कम होके इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर ऐसा होता तो एटम खत्म हो जाता, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे जाके गिर जाता तो एटम खत्म, एटम खत्म, मैटर खत्म, मैटर खत्म, दुनिया खत्म। तो ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो रदरफोर्ड का डिस्कवरी बहुत बड़ी थी, लेकिन वो बस स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए थे। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब किया बोहर ने, जिसको हम बोहर मॉडल ऑफ एन एटम बोलते हैं। बोहर ने क्या मॉडल दिया एटम का, न्यूक्लियस सेंटर में। ठीक है, न्यूक्लियस हम पॉजिटिव चार्ज से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो सब पार्टिकल्स हैं, आप मुझे बता सकते हो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं? एनीबडी? यस प्लीज कम ऑन द माइक एंड टेल। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन? प्रोटॉन्स इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज अ जीरो चार्ज। यस, वेरी गुड, प्लीज सिट। सो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसको बोलते हैं। देखो डाल्टन के हिसाब से तो पहले ये था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसको आगे डिवाइड क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं था। डाल्टन की थ्योरी जो थी वो पूरी एक्यूरेट नहीं थी, उसमें मॉडिफिकेशंस हुई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी पार्टिकल्स होते हैं, बट अगेन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, सो protons are positively charged, electrons are negatively charged, and neutrons are neutral. अब इन particles की arrangement जो थी उसको सही तरीके से बोहर ने बताया। बोहर ने कहा center में nucleus है, nucleus के अंदर protons हैं और neutrons हैं। ठीक है, nucleus में है प्रोटॉन्स, आपने याद रखना है, मैं आपसे पूछूंगी थोड़ी देर में, तो प्लीज लिसन अटेंटिवली, मैं आपसे पूछूंगी इसमें से क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। सो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर पॉजिटिव ही आपको दिखेगा, तो सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं,
जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, आपने सुना होगा पीरियोडिक टेबल होता है, पूरे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है, उसमें अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं. तो उन 118 एलिमेंट्स को हम ऐसी 7 शेल्स में पूरा फिल कर सकते हैं. ठीक है, वन, लेट्स सी, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, राइट. तो पूरी 7 शेल्स में उन पूरे 118 एलिमेंट्स को फिल किया जा सकता है. अभी तक हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स करते हैं आपकी क्लास में, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं. लाइक फर्स्ट शेल में यू कैन फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8, फोर्थ में 18, 18, 32, 32. हम इनको मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32. ये आपको शेल वाइज बताता है कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं. अगर किसी को पीरियोडिक टेबल का पता है, उन्होंने देखा है आपकी क्लासरूम में या आप सीनियर के क्लासरूम में लगा होगा, आप कभी काउंट करना, जितने आपको लाइंस मिलती है ना पीरियोडिक टेबल में, उतने ये एलिमेंट्स मिलेंगे, उतनी ही शेल्स होती हैं. तो 7 लाइंस आपको वहां पर मिलती हैं, जिनको 7 पीरियड्स कहा जाता है, वो 7 शेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और उसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वी कॉल देम मैजिक नंबर्स, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. ठीक है, दिस विल मेक 118 एलिमेंट्स, राइट. सो बोहर ने कैसे ये जस्टिफाई किया जो रदरफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. रदरफोर्ड के टाइम पे मैंने बताया आपको कि मैक्सवेल ने ऑब्जेक्ट किया था कि जो एक चार्ज्ड पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करेगा तो न्यूक्लियस में गिरेगा. बोहर ने बोला ऐसा नहीं होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स या शेल्स में, इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं. एनर्जी लेवल्स क्यों, जो सबसे पास है ये पहली शेल उसकी सबसे कम एनर्जी होगी. ये न्यूक्लियस के सबसे पास है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इन शेल्स में होंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, राइट. सो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्लोजली टाइटली हेल्ड होते हैं. ठीक है, इनको निकाला नहीं जा सकता इतना इजीली क्योंकि दे आर क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, दे आर टाइटली हेल्ड. ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का आपस का रिलेशनशिप है, दिस इज लाइक मैग्नेट एंड आयरन. जैसे एक मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है ना, जितना पास होगा उतना जोर से अट्रैक्ट करेगा. अगर मैग्नेट इधर रख दिया आपने, आयरन बहुत दूर रख दिया, तो अट्रैक्शन नहीं होती है. ठीक है, सेम सिमिलर तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन होगी दैट विल बी लाइक मैग्नेट एंड आयरन. ठीक है, सो इसीलिए सबसे कम एनर्जी फर्स्ट वाली शेल की होगी, जिसको हम के शेल, के एल एम एन ओ पी क्यू आप ऐसे लिख सकते हो. बड़ी क्लासेस में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ही करोगे, ऐसे ही करोगे, लेकिन इनको हमने नाम दिया है अभी के एल एम एन. ठीक है, 4 शेल्स हमारे काम की होंगी, 20 तक हमारा चल पड़ेगा. क्यों, क्योंकि फर्स्ट शेल में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेकंड में 8, थर्ड में 8, ठीक है, दिस मेक्स 18. हमने कहा हम करेंगे 20 तक एटॉमिक नंबर, तो कितना बच गया, 4 शेल के लिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारी ये कॉन्फिगरेशन रहेगी. मैं आपको बताती हूँ उसको यूज कैसे करेंगे. जैसे एटॉमिक नंबर आई होप आपको आते हो, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के, और फिर हम उनके ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कर लेते हैं. देखो, फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है और एक ही शेल है, उस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, क्यों होगा, जो ये एटॉमिक नंबर होता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन.
अब ये टोटल 118 एलिमेंट्स जो हमें मिले, उन सब में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। जितना जिसके पास प्रोटॉन है उतना ही उसको एटॉमिक नंबर असाइन किया गया है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन का नंबर है हम वो कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम शेल्स से निकाल सकते हैं या शेल्स में ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। ये सब तब होगा अगर आप फ्यूजन या फिजन रिएक्शन करते हो, वो अलग चीज है, लेकिन अदरवाइज जो भी हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं उसमें हमेशा सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, प्रोटॉन नहीं करेगा। इसलिए एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर फिक्स्ड रहता है, ठीक है, कभी हर एलिमेंट का जो है वही रहेगा एटॉमिक नंबर। ऐसा नहीं कि चल हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक नंबर हो जाए कुछ भी करके, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे चेंज हो सकते हैं। पहले हम एटॉमिक नंबर का कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है तो आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हो। अभी अगर मैं हीलियम का करूं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड इज लिथियम, ठीक है, लिथियम में 1, 2। अब मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन को सेम शेल में नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती? क्योंकि ये लिमिटेशन है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो इस ही हिसाब से चलेगी। फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, तो अगर मुझे थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करना है आई हैव टू मूव टू सेकंड शेल। अब सेकंड शेल में कब तक फिलिंग चलेगी? जब तक टोटल मैं इसमें 8 ना फिल कर दूं, ठीक है, मतलब मेरे पास फोर्थ एलिमेंट आएगा बेरिलियम, तो उसका यहां पर एक और एड हो जाएगा। फिफ्थ एलिमेंट आएगा बोरोन, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड आ जाएगा। सिक्स्थ आएगा कार्बन, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। सेवेंथ आएगा नाइट्रोजन, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। एट्थ आएगा ऑक्सीजन, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। नाइन्थ एलिमेंट इज फ्लोरीन, एक और ऐड हो जाएगा। टेंथ एलिमेंट इज नियॉन, तो एक और ऐड हो जाएगा। अब टोटल सेकंड शेल में कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, क्योंकि सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। अब 11th एलिमेंट इज सोडियम, तो सेंटर में न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ किया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इसके पास 11 है, वी हैव फिल्ड 10। मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इतना नहीं भी याद होता, रिमेंबर टिल दिस। अभी हमें मैंने बोला था यहाँ पर फिल कर सकते हो आप इसमें 18, पर हम 20 तक ही करेंगे एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही होंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, सेकंड शेल तक फिल हो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी भी एलिमेंट के पास जितने प्रोटोन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जब वो न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं है ना इसके ऊपर, चार्ज कैसे आता है वो बताऊंगी फिर। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, सो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज 11, दैट मीन उसके पास है 11 प्रोटॉन और 11 ही होंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स, 10 हम फिल कर चुके हैं, तो 11th कहां जाएगा? थर्ड शेल। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 1, ठीक है। अब आपकी बारी, आप मुझे ध्यान से देख लो, अभी कुछ पूछना है पूछ लो,
अगला एलिमेंट में किसी का भी नाम लेके आप मुझे बताओगे कि मैंने कहाँ कितना फिल करना है. एटॉमिक नंबर मैं बता दूंगी, नहीं आता है फिलिंग आपने बतानी है. तो ये समझ आया जो अभी बताया मैंने, ये पहले किसको डाउट है वो पूछ लो. फिलहाल मूव टू द क्वेश्चन. देन पूछना है कुछ? नो मैम. ओके फिर ठीक है. तो हम अब नेक्स्ट पे मूव करेंगे. लेट्स सी, मेरे पास है एटॉमिक नंबर 14 जो कि है सिलिकॉन का, राइट. सो मैंने सेंटर में क्या ड्रॉ करना है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, फाइन. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? टू. सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? फाइन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट. उसके बाद शगुन है, कोई शगुन आई है? यस शगुन. हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हो गए पूरे? 10. अब कितने रह गए? 4. ठीक है, वो कौन सी शेल में मुझे फिल करने हैं? हाँ जी, थर्ड शेल. ठीक है, थर्ड शेल मुझे ये, अब मैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर दूंगी. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे बतानी हो तो क्या होगी? 2, 8, 4. वेरी गुड, 2, 8, 4. इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं इस एलिमेंट के पास? 14. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14. वेरी गुड. सिट प्लीज. तो कोई क्वेश्चन अभी यहाँ तक? ओके बेटा, उसके बाद हम करते हैं. हाँ जी, अभी जैसे शेल्स में क्या कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन, एक शेल से ये दूसरे शेल में जंप भी कर सकता है, फॉल बैक भी कर सकता है. अभी ये शेल्स यहां तक फिल हुई है. शेल कोई फिजिकल कोई बाउंड्री नहीं है, या कोई जगह नहीं है, कोई बैठने की जगह या खड़े होने की जगह नहीं है, वो सिर्फ स्पेस है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस ने पकड़े हुए होते हैं, लेकिन वो इधर उधर जा सकते हैं. ठीक है, तो हम इमेजिनरी ऐसे शेल्स इसमें ऐसे कि आगे भी और भी जगह है जो खाली पड़ी है. तो क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इनको एनर्जी मिलती है थोड़ी सी भी, तो ये जंप कर सकते हैं ऊपर. ठीक है, और वहां से जंप करने के बाद फॉल बैक भी कर सकते हैं. तो ये कहता है कि जो जो भी एलिमेंट जब अपने नॉर्मल स्टेट में, जो अभी तक हमने बनाई उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. ठीक है, नॉर्मली इसी स्टेट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स, फिर अगर उनको एनर्जी मिलती है तो वो जंप भी कर सकते हैं, वो फॉल बैक भी कर सकते हैं. ठीक है, ओके. दूसरी बात, अब मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन्स का नंबर कभी चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होने का क्या मतलब है? आई टेल यू. जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई, हम करते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 के फॉर्म में. सो अगर मेरे पास, हम सोडियम की ही अगर बात करें, 11 है, हमने देखा इसकी कॉन्फ़िगरेशन जाएगी 2, 8, 1, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इस तरह से शेल्स में जा सकते हैं. ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम है, दैट इज 2, 8, 2. एल्यूमिनियम इज 2, 8, 3. सिलिकॉन इज 2, 8, 4. देन फॉस्फरस इज 2, 8, 5. सल्फर इज 2, 8, 6. क्लोरीन इज 2, 8, 7. एंड आर्गन इज 2, 8, 8. ये आपको सबका एटॉमिक नंबर आना चाहिए. ठीक है, अब इन एलिमेंट्स से आप इनका चार्ज, इनका बिहेवियर, नेचर, रिएक्टिविटी सब बता सकते हो, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आती है तो. कैसे बता सकते हो? कि जैसे हमने जो ये लिखा था, इसमें इनका ये मतलब है कि मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर एलिमेंट के पास है इन शेल्स में, तो वो पूरी फुल होगी, फुली फिल्ड.
फुली फिल्ड होने का मतलब है कि वो स्टेबल होगी, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकर जाए, मींस अगर आधा कुछ चीज भरी है तो वो छलकता रहता है, तो वो पूरा भरा होगा तो स्टेबल होगा, ठीक है? फिर वो हिलेगा नहीं। तो वैसे ही इन एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर इनकी ये वाली शेल, थर्ड शेल की अगर हम बात करें, तो दे एक्सपेक्ट कि यार मेरे पास अगर ये पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो मुझे कुछ भी करके 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए। तो क्या ये बोलता है कि अब मेरे पास लास्ट शेल में, सोडियम की हम बात करें, सोडियम बोलते हैं मेरे पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 7 तो ले नहीं सकता कि 8 कंप्लीट हो जाए, 7 लेने में इसको बहुत एनर्जी लग जाएगी, तो ये डिसाइड करता है मैं एक लूज कर देता हूं, दैट विल बी बेटर, क्योंकि मेरे पास लूज करने के बाद पिछली शेल में 8 कंप्लीट हो जाएंगे। 8 कंप्लीट होने का मकसद स्टेबल होना, ठीक है? तो ये डिसाइड करता है कि ठीक है एक हम लूज कर लेते हैं। क्यों लूज कर रहा है? अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो देखो पहले क्या था, सोडियम के पास, अभी मैंने आपको बताया इसका एटॉमिक नंबर इज 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 11, राइट? अभी तक ये न्यूट्रल था क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे। व्हाट इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन अगर वो निकाल देगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी 11 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज ना, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज कितना रह जाएगा? 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। अब आप बताओ प्लस 11 एंड माइनस 10 ओवरऑल ये कैंसिल होके ओवरऑल क्या चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव 1, ठीक है? मतलब अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके पास? ठीक है, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त होगी 2 8, इसीलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। अब इसको ध्यान से सुन लो, मैं रिपीट कर रही हूं एक बार, मैं पूछूंगी क्योंकि बाकी बिहेवियर आप बताओगे फिर मुझे, ठीक है? तो मैंने आपको बताया सोडियम के बारे में, जिसकी एटॉमिक नंबर था 11, उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 281, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ताकि वो अपनी पिछली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ला सके, विच इज सपोज टू बी फुली फिल्ड एंड स्टेबल। तो उस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और लूज करने के बाद अब उसके पास नेगेटिव जो है वो 11 नहीं, वो रह गया 10, और ओवरऑल चार्ज आ गया उस पे +1, और वो बन गया Na पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, ये जब आप फॉर्मूलाज बनाओगे, केमिकल फॉर्मूलाज आपको बनाने को हैं, तो उसमें आपको हेल्प करेगा किसी भी एलिमेंट पे कौन सा चार्ज आएगा, वो आपको हेल्प करता है, ठीक है? समझ आए? ये पूछू मैं फिर अभी, या किसी को डाउट है तो मेरे से अभी पूछ लो, अदरवाइज आई पिक अप सम स्टूडेंट्स एंड मैं उनसे पूछूंगी फिर नेक्स्ट वाला। नो डाउट? ओके देन, जैस्मीन कौन है? जैस्मीन आई है? जैस्मीन, यस प्लीज। हाँ बेटा, हम करते हैं सेकंड वाला, ठीक है? हाँ जी, ओके। सो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है 282। अब आप मुझे बता सकते हो कि इस पे कितना चार्ज आएगा और क्यों आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव टू, पॉजिटिव टू, और क्यों आएगा? वो दो लूज करेगा. वेरी गुड, ठीक है, प्लीज सिट. तो इसने टू इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, इस पे आ जाएगा प्लस टू, इस पे था प्लस वन, ठीक है. तो सिमिलरली जब एल्यूमिनियम की बारी आएगी वो थ्री इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इस पे आ जाएगा प्लस थ्री, ठीक है. अब जब सिलिकन का चांस है तो वो बोलता है कि अब मैं या तो चार लूज करूं या चार गेन करूं, वो दोनों ही उसके लिए डिफिकल्ट काम हो जाता है. ना वो लूज करने को तैयार हो पाता है ना गेन करता है. तो वो पॉजिटिव नेगेटिव में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, वो शेयरिंग करता है, जिसके बाद बारे में आप बाद में पढ़ोगे. तो आप इसको वैसे मतलब इसका या प्लस फोर या माइनस फोर हो जाता है, पर ये शेयरिंग एक वर्ड आप सीखोगे कि ये शेयर कर लेता है, क्योंकि इसके लिए दोनों दोनों काम थोड़े डिफिकल्ट आते हैं. कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे. इनकी क्योंकि एक अलग ही स्टोरी है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आप बहुत, अगर केमिस्ट्री नहीं सुना होगा तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सुने होंगे, ऑर्गेनिक वर्ड तो पक्का सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है. चाहे आप सुपरमार्केट्स में भी जाते हो, वहां पर भी एक ऑर्गेनिक शक्कर का, ऑर्गेनिक दाल का एक सेक्शन ही हो जाता है, ठीक है. दैट ऑर्गेनिक इज कार्बन. वो कार्बन की पूरी फैमिली जिसमें सिलिकॉन भी मेंबर है, वो पूरा ऑर्गेनिक है. तो दे आर ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फैमिली. वो डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट फील्ड है केमिस्ट्री का, बिगेस्ट फील्ड, ठीक है. तो वो अलग ही है. अब हम आते हैं फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन पे. अब फास्फोरस के लिए बोलता है मेरे पास लास्ट शेल में फाइव है, तो या तो वो फाइव लूज करे या थ्री गेन करे. सो व्हाट डू यू थिंक विच विल बी इजियर टास्क? पांच थ्री गेन करना, ठीक है. अगर वो गेन करता है तो अभी जैसे सोडियम के लिए क्या था, लुकियो. सो वी हैव फास्फोरस जिसके पास 15 एटॉमिक नंबर है, मतलब Z इज इक्वल टू 15. तो प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ओके, अभी तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स. आप बोल रहे हो तीन ये गेन करेगा, तीन क्या गेन करेगा? क्या चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे? नेगेटिव. तो मींस इसके पास अभी 15 पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अगर आप इसको बोल रहे हो कि तुम तीन और गेन कर लो, तो टोटल कितना नेगेटिव हो जाएगा? -3 उस पे आ जाएगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा लेकिन तीन इलेक्ट्रॉन उसने और ऐड किए हैं, तो उसके ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा तीन इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज. सो सल्फर 286, सिक्स लूज करना है या दो गेन करने हैं? क्या चार्ज आएगा? Then chlorine is 287. Seven lose करना है या one gain करना है? अब argon बोलता है मेरे पास तो already 8 है. I am already stable. I don't need anything. I don't want to lose. I don't want to gain. ठीक है? तो ना ये lose करेगा ना ये gain करेगा. Right? अब देखो इससे एक और चीज मैं आपको बताती हूँ. एक इलेक्ट्रॉन लूज करना सबसे इजी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने में भी मेहनत है. क्यों है मेहनत? क्योंकि न्यूक्लियस होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को. तो इट इज नॉट दैट इजी कि हाँ जी आप कर लो इलेक्ट्रॉन लूज, इतना इजी काम नहीं है, एनर्जी लगती है उसके लिए. तो लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना इजियर होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव लूज करने में सोडियम होगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करना भी इजी होगा, इसीलिए सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी एलिमेंट की गेन करने के हिसाब से वो क्लोरीन की होगी, ठीक है. तो इन इन पूरे एलिमेंट्स में से देने में सबसे इजी सोडियम रहेगा और लेने में सबसे इजी क्लोरीन रहेगा, ठीक है. ये हो जाएगा. अब एक और चीज आपने सुना है मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में. Yes. मेटल्स वो होते हैं, अगर नहीं पता तो लिख लेना, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं.
ठीक है, जैसे आप मेटल्स, आपको मैं नॉर्मल से वो बताती हूँ, आपको ये तो पता ही होगा जो भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं, वायर्स क्या है, कॉपर वगैरह की होती है, आपने कभी एसी वगैरह लगा देखा होगा, ठीक है, तो कॉपर क्या है ये पता है, कॉपर मेटल है, तो कॉपर मेटल को इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो करा सकता है, उसके लूज होते हैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कॉपर की वायर्स बनती हैं क्योंकि वो एक ऐसा मेटल है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करा सकता है, तो हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन को दे सकती है हम उनको टर्म करते हैं मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेती है वी कॉल इट नॉन मेटल। ठीक है, और एक चीज बताती हूं, जब आपने एटम के बारे में पढ़ा, हमने बात की जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, एटम होता है न्यूट्रल, ठीक है, लेकिन जब चार्ज आ जाता है लूज करने की वजह से या गेन करने की वजह से, वो बन जाती है आयन। आयन क्या होती है, चार्ज्ड एटम पे जब चार्ज आ जाएगा, अब ये आयन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है वी कॉल इट कैटायन, और अगर इस आयन पे नेगेटिव चार्ज है वी कॉल इट एनायन। ठीक है, अब ये जो सबसे अच्छे जो हमने जो आप रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल चूज किए, आप इनको कंबाइन करके बता सकते हो क्या बन रहा है, ये जो स्टार वाले एलिमेंट्स हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, टेबल सॉल्ट, द सॉल्ट वी यूज टू पुट इन आवर वेजिटेबल्स और दाल और वॉट एवर, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये बन गया सॉल्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, आयनिक बॉन्ड इसको कहा जाता है, आयन्स जब कंबाइन करते हैं, तो Na पॉजिटिव कैटायन, Cl नेगेटिव एनायन, आपस में दोनों मिल गई तो बन गया आयनिक बॉन्ड। ठीक है, देखो इसको, किसी का भी कोई क्वेश्चन है कुछ भी इससे रिलेटेड, ठीक है, तो मुझसे पूछो, क्योंकि आप जब चार्जेस फॉर्मूलाज वाला जब चैप्टर करोगे, अगर आपको ये बेसिक पता है कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो आपको उस वक्त चार्जेस वाला वो टेबल क्रैम नहीं करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ जी ये एलिमेंट, क्योंकि इसकी लास्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू लूज दिस मच इलेक्ट्रॉन, तो लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर आपको पता है कि इसने अपना कंप्लीट करने के लिए गेन करना है तो दैट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, तो आपको वो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पूछो कोई क्वेश्चन इससे पूछना चाहते हो तो। नो क्वेश्चन, चलो फिर असाइनमेंट के क्वेश्चंस फिर मैं पूछूंगी, कर सकते हो तो आप। हाँ जी, टेक आउट फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एक्स रिप्रेजेंट इन द एटॉमिक मॉडल, बता सकते हो ये एक्स क्या है, एक्स इज न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन सेज इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो 8, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, जितना भी इलेक्ट्रॉन, जितना भी प्रोटॉन होते हैं एलिमेंट के पास वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, चाहे न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता, वो ज्यादा रिलायबल है, इसीलिए प्रोटॉन को हमने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो इनको, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन चेंज कर दिए, इन्होंने दे दिया, इन्होंने ले लिया, लेकिन इन सब के प्रोटॉन्स, इन सब के एटॉमिक नंबर आर स्टिल द सेम, इसीलिए हम हमेशा एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन्स के साथ जोड़ते हैं कि हाँ जी जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ोगे आगे 10th में, तो उसमें यही होगा कि केमिकली कोई भी चीज कंबाइन तभी करती है अगर वो कुछ ले सकती है, दे सकती है या शेयर कर सकती है,
ये केमिस्ट्री का बेसिस है पूरा, यही एलिमेंट करते हैं तभी एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन जो हमारी बॉडी में भी रिएक्शंस चल रहे हैं, जो डाइजेशन में, ब्रीदिंग में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, वो भी इसी, उसका सबका बेसिस यही है कि कोई चीज कंबाइन करती ही इसलिए है कि या तो उसको दे के स्टेबिलिटी मिल रही है, या उसको ले के स्टेबिलिटी मिल रही है, या शेयर करके स्टेबिलिटी मिल रही है। दे ऑल वॉन्ट स्टेबिलिटी, एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? जस्ट टू हैव अ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने आपको बताया, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने के लिए आइदर दे लूज और दे गेन और दे कंबाइन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीशियम एटम? वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द क्लास। ओके फाइन, मैं एक चीज आपको बताती हूँ। जैसे अगर मैंने ये सोडियम लिया, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, यहाँ पर एक नंबर लिखा, आपको इन नंबर्स की सिग्निफिकेंस पता है कि ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज इट एंड दिस इज इट, ठीक है, फाइन। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो, पहले तो ये कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ, इफ द के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम? ये तो शेल वाला किया हमने कि अगर आपके पास ये जो फर्स्ट शेल है, दिस इज के शेल एंड द सेकंड शेल इज एल शेल, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं? टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो मैंने ये टू इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर दिया। और सेकेंड शेल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये पूछ रहा है के और एल अगर फुली फिल्ड हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। अच्छा, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 15 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16, न्यूट्रॉन्स ऑप्शन है, मैंने क्वेश्चन ये जो मास नंबर होता है दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। तो मैं यही चीज आपको सोडियम के लिए पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? हाँ जी, मुझे बताएगा यशराज, कौन है यशराज? हाँ जी, कितने न्यूट्रॉन्स है बेटा सोडियम के पास? हाँ जी, सॉरी आई कांट हियर यू, इलेवन। इसके एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? इलेवन। मास नंबर क्या होता है ए से जो रिप्रेजेंट किया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। So, आपने कहा कि मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो मतलब उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 11। क्योंकि उसका मास नंबर 23 है तो आप इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो? Yes, कितना आएगा? 12। यशराज कितना आएगा? 12। 12। ओके,
गुड, चलो जाओ अपनी सीट पे. फाइन. सो फिफ्थ का क्या आंसर है बेटा? आप बता रहे थे कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है और न्यूट्रॉन 16 है, तो टोटल उसका मास नंबर कितना होगा? मास नंबर इज 31 एंड एटॉमिक नंबर इज 15. ऑप्शन ए. सो फिफ्थ का ऑप्शन ए है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही एटॉमिक नंबर होता है. तो जो भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया होगा वो उसका एटॉमिक नंबर है. ठीक है. मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है. प्रोटॉन्स आप एटॉमिक नंबर से पुट कर सकते हो और न्यूट्रॉन्स आप मास नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एलिमेंट. ऑप्शंस पढ़ो जरा. फर्स्ट ऑप्शन है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये ट्रू है क्या? ओके रहने दो. ठीक है ठीक है, बस मैं आपको बताती हूँ. एटॉमिक नंबर नहीं, यहाँ पर एटॉमिक क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. न्यूट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ना होता. मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे ही बस. चलो रुको एक मिनट, जिस चीज को नहीं समझ आए ये दोबारा देख लो, हम इस पे क्वेश्चन करेंगे. देखो ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है, मैंने बताया था आपको न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसी को कहा जाता है मास नंबर. जो भी एटम का मास है वो यहीं पर होता है, और बाहर शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है. न्यूट्रल एटम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे. अगर वो न्यूट्रल एटम होगा मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए. ठीक है. जैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कैटायन एनायन किए, वो नहीं होना चाहिए. न्यूट्रल एटम में ये सब बराबर होता है, और मास नंबर में प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन होता है. न्यूट्रॉन कोई फिक्स्ड नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर तो फिक्स्ड है. कोई भी एलिमेंट का सेम एटॉमिक, दो अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता. ठीक है. न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स्ड नहीं होता इसमें. तो अब आपने मुझे इसी के हम चार पांच कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें आपने मुझे बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और मास नंबर. ठीक है. मास नंबर वैसे आपको याद करने पड़ते हैं थोड़ा से, जैसे सबसे कॉमन जो एलिमेंट्स हैं जिनके आप याद करते हो, जैसे कार्बन है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है. आपको नेक्स्ट उसमें मैं आइसोटोप्स वगैरह कराऊंगी जिसमें मास नंबर चेंज हो सकता है, मगर एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स्ड रहता है. एटॉमिक नंबर मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो चेंज नहीं होता. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम नहीं हो सकते हैं. ठीक है. तो जैसे मेरे पास ये कार्बन है, मुझे आपने बताना है इसका एटॉमिक नंबर, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो वी स्टार्ट विद एटॉमिक नंबर. व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? नंबर ऑफ प्रोटॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जैसे आपको इसमें ये जो मास नंबर है इसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे ना, तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ही है, और ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो अगर आप इसमें से ये माइनस कर दो नंबर ऑफ सॉरी अगर आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन बचेगा, मतलब 12 में से 6 माइनस कर दोगे तो ये जो आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा. ठीक है.
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ गया इसमें 6. अच्छा, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक कार्बन का, ये भी एक आइसोटोप होता है, आप मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ सॉरी एटॉमिक नंबर इज 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 8, क्योंकि इस बार इसमें ये 14 है, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8. ठीक है, दिस माइनस दिस विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन का बताओ एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स 7, न्यूट्रॉन्स 14 माइनस 7. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ओके एटॉमिक नंबर इज 7, प्रोटॉन्स 3, इलेक्ट्रॉन्स 17, न्यूट्रॉन्स 18, 35 माइनस 17. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर इज 13, प्रोटॉन्स 13, इलेक्ट्रॉन्स 13, न्यूट्रॉन्स 13. बस अभी ज्यादा खुश नहीं होना, अब नेक्स्ट एग्जांपल जो सही से बताएगा फिर मैं मान जाऊंगी कि आपको आ गया. ओके, एटॉमिक नंबर इज 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है. जितना पॉजिटिव चार्ज एटम पे आएगा मतलब उतना वो लूज कर चुका है, जितना नेगेटिव आएगा मतलब उतना वो गेन कर रहा है. ठीक है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम कुछ नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है. ठीक है, तो दिस इज 12. एक और एग्जांपल, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए. बोलो, पूछना है कुछ बेटा? अच्छा ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज गलत नहीं बोलना है, सोच के बोलना है, जल्दी नहीं, सबके साथ नहीं, किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है पूछ लेना है. ठीक है, एटॉमिक नंबर इज, ठीक है, ये जो है नीचे वाला एटॉमिक नंबर है. ठीक है, प्रोटॉन्स, अब ध्यान से देखना इसने लूज किया है या गेन किया है. जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्ज होता है अगर वो नेगेटिव है तो उसने गेन किया है. इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास? वेरी गुड. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज, वेरी गुड. वन मोर और करवाऊं? ओके चलो जी, अभी हम करते हैं सल्फर, 2 नेगेटिव. सल्फर का एटॉमिक नंबर याद है क्या होता है? 16. चलो जी, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन 16, क्योंकि 2 नेगेटिव है 2 उसने एक्सेप्ट किया है, न्यूट्रॉन
Very good. Okay, last wala. Number, atomic number. 15. Protons. 15. Electrons. 18. क्योंकि उसने 3 electrons को gain किया है, तो 18. And neutrons. 31 minus 15 is equal to 16. ठीक है, एक और कर लेते हैं quickly. Okay, atomic number. Protons. Electrons. 10. क्योंकि 13 में से वो 3 लूज कर चुका है, ठीक है. 10. And neutrons. 14. Any questions? Enjoyed the class? Yes. ठीक है, लेकिन आपको ये पढ़ के आना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मास नंबर और एवरेज एटॉमिक मास वो सब बताऊंगी. जो भी वैलेंसी तक की चीजें हैं वो आपने या अभी जो भी आज हमने किया वो याद करके आनी है. क्या बेटे, एक बच्चा बोलो क्लास में जो बोलना चाहते हो, अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लो. नो मैम. ठीक है, कैटायन एनायन पता होने चाहिए, कैसे चार्ज आया, एटॉमिक नंबर 20 तक याद होने चाहिए. ऐसे टिप्स पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. ठीक है, पूरे बोलते रहना है, जैसे राम 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 बोलते हैं ना, वैसे सारे एटॉमिक नंबर 20 तक याद कर लो. कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगी आपको, कैटायन एनायन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फॉर्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका डेफिनेट क्वेश्चन आता ही है. और ये बेसिक है. थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में भी बताऊंगी. पीरियोडिक टेबल जिसने नहीं देखा है एक बार देखना, ठीक है. मुझे नहीं ऐसे समझ आएगा, कोई एक आके बोलेगा तो मुझे पता चलेगा क्या बोलना चाहते हो. हाँ जी, नथिंग. ओके, ठीक है, एक मिनट रुकेंगे आप फिर.